नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवेट और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ पंचतंत्र की कहानी शाही गजराज। बृहदत्त के शासन काल में कुछ बड़े वाराणसी में रहते थे। वे बड़े रोज अपनी नावों में बैठकर गंगा पार के जंगल में जाते और वहाँ जंगल में अपने काम के लिए लकड़ियाँ काटा करते। यही उनकी नित्य की दिनचर्या थी। एक दिन जब वे बढ़ई दोपहर का भोजन कर रहे थे तो उन्होंने एक हाथी को अपनी ओर आते देखा। हाथी लंगड़ाता हुआ उनकी ओर आ रहा था। संभवतः उसके पाँव में कोई कील या नुकीली लकड़ी का कोई हिस्सा चुना हुआ था। हाथी को अपनी ओर आता देखकर बढ़ई भोजन करना भूल गए। कुछ तो इतने आतंकित हो गए कि वहाँ से भाग खड़े हुए, लेकिन जो कुछ ज्यादा हिम्मत वाले थे वे वही बैठे रहे। उन्हें उत्सुकता हुई कि देखें ये हाथी क्या करेगा। हाथी धीरे धीरे उनके समीप पहुंचा। उसने अपना एक पांव उठाकर आगे कर दिया। बढ़ईयों ने देखा कि लोहे की एक मोटी कील उसके पांव में गड़ी हुई थी। बढ़ईयों ने अपने औजार से वह कील निकाल दी और उसका घाव साफ कर उसे पट्टी कर दी। उनके इलाज से हाथी का पांव ठीक हो गया। अब हाथी ने उनसे बोला, धन्यवाद मित्रों, तुम लोगों ने मुझ पर बेहद कृपा करी। अब मैं नित्य तुम्हारे पास आया करूंगा और तुम्हारे काम में मदद किया करूंगा। तब से वह हाथी रोज ही वहां आता और बढ़ईयों की सेवा करता। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। एक दिन जब हाथी उनके पास पहुंचा तो वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक सफेद रंग का खूबसूरत बच्चा भी था। निकट पहुंचकर हाथी ने उनसे कहा, मुझ में अब पहले जैसी शक्ति नहीं रही, इसलिए कल से आप लोगों की सेवा करने के लिए मेरा बेटा आया करेगा। मैं हर तरह से आपकी सेवा करने की चेष्टा करूंगा, हाथी के बच्चे ने कहा। तब से हाथी का वह बच्चा प्रतिदिन वहां पहुंचने लगा। वह बड़ी मेहनत और लगन के साथ बढ़ईयों के कार्यों में सहायता करता। वह कटे हुए पेड़ों को खींचकर इकट्ठा करता, उनके औजार लाकर देता और कटे हुए लट्ठे इधर उधर पहुंचाता। काम के अतिरिक्त वह बढ़ईयों के बच्चों के साथ खेलता, बच्चों को अपनी सूंड पर बिठाकर उन्हें झूला झुलाता। बच्चे अपने उस विशालकाय साथी के साथ बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन संयोगवश उस हाथी की लीद नदी में जा गिरी। नदी में आगे की जगह पर राजा के हाथी नहाया करते थे। लीद की गंध सूंघकर हाथी उस दिन नदी में नहीं उतरे। इस कारण से उनके महावत बेहद चिंता में आ गए। उन्होंने इस बात की सूचना राजा को पहुंचाई। राजा ने हाथियों के प्रशिक्षक को बुलाकर इसका कारण पूछा तो चतुर प्रशिक्षक फौरन ताड़ गया। उसने राजा से कहा, अन्नदाता, किसी महान हाथी की लीद पानी में बहकर आई है। वो ऊपर के हिस्से में किसी स्थान पर रहता है। यह सुनकर राजा ने कहा, जाकर खोजो, ऐसा कोई हाथी है तो उसे शाही अस्तबल में होना चाहिए। तत्पश्चात राजा स्वयं अपने कुछ खोजियों को लेकर उस हाथी को खोजने के लिए निकला। उसे ज्यादा देर खोज नहीं करनी पड़ी। कुछ ही आगे चलने पर नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा वह सफेद हाथी उन्हें दिखाई दे गया। हाथी की सुंदरता देखकर राजा मुग्ध हो गया। नदी पार करके वह अपने आदमियों के साथ दूसरी ओर जा पहुंचा। हाथी उस समय बढ़ईयों के साथ पहुंच चुका था। राजा को अपनी ओर आता देख बढ़ई आतंकित हो उठे। उन्होंने सोचा कि आज मुसीबत आ गई है, जरूर हमसे कोई अपराध बन पड़ा है, इसी कारण राजा हमें पकड़ने के लिए यहाँ आ रहा है। लेकिन राजा ने वहाँ पहुंचकर उनसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उनसे यही प्रार्थना की कि वे उस सफेद हाथी को अपने अस्तबल में रखने के लिए आया है। राजा की बात सुनकर बढ़ई कुछ उदास हो गए। दरअसल वे सब लोग उस सफेद हाथी को बेहद प्रेम करने लगे थे और उसे अपने परिवार का ही एक सदस्य समझने लगे थे। हाथी अपने मित्रों की परेशानी समझ गया। उसने अपने मित्रों की सहायता करने के बारे में सोचा। वह राजा से बोला, राजन, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, किंतु अपने इन मित्रों को दुखी नहीं देख सकता। इनके मुझ पर बहुत सारे उपकार हैं। यदि आप इनकी कुछ आर्थिक सहायता कर दें तो मैं स्वयं को इनके ऋण से उऋण समझूंगा। यह सुनकर राजा ने अपने अनुचरों से कहा, इन लोगों को हाथों की पूंछ की एवज में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, इतनी ही मुद्राएं सूंड के बदले और चारों पैरों के बदले 4,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इन सभी को दे दी जाएं। पर हाथी को इतने से संतोष न हुआ। उसने कहा, महाराज, आप मुझे लोभी न समझे। इन लोगों को कपड़ा आदि भी चाहिए।
इनके बच्चों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। हम तुम्हारी कृतज्ञता से प्रसन्न हुए गजराज, राजा ने कहा, हम तुम्हें खुश कर देंगे। यह सुनकर हाथी साथ जाने के लिए तैयार हो गया। विदाई के समय बढ़ईयों की आंखें छलछला आई। उन्होंने आंसू भरी आंखों से अपने प्रिय साथी से कहा, जाओ मित्र, राजा की आज्ञा का सदैव पालन करना, हमारे इस कथन को सदैव याद रखना। राजा हाथी को लेकर नगर में पहुंचा तो प्रजा में उल्लास छा गया। सभी उस सुंदर हाथी को देखकर दंग रह गए। मंत्री और सामंत उसके गुण बखानने लगे। मंत्री बोला, मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ, ऐसा राजसी हाथी तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। राजपुरोहित बोला, मेरी यह बात याद रखें, कभी युद्ध में यह गजराज अपने अनोखे कर्तव्य दिखाएगा। राजा ने अपना आधा राज्य हाथी के नाम कर दिया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम मेरे भाई के समान हो, अब से जीवन भर मेरे साथ ही रहोगे। कुछ ही दिनों में हाथी को भी राजा से बेहद स्नेह हो गया। वह दिन भर उन्हीं के साथ रहता और उन्हीं के साथ भोजन भी करता। कुछ ही महीने बाद रानी गर्भवती हुई। यह जानकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह रानी के पास जाकर बोला, रानी, यह हाथी तो हमारे लिए सौभाग्य लेकर आया है। अब हमारे राज्य की स्थिति इतनी सुदृढ़ हो गई है कि किसी भी राजा की हमारी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं होती। ठीक कहते हो स्वामी, मुझे तो अब यही लगता है कि हमारा बालक भी बहुत प्रतापी बनेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। परंतु कोई भी दुनिया में हमेशा सुखी नहीं रहता। एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और अनेक वैद्य हकीमों के इलाज के बावजूद भी उसकी मृत्यु हो गई। इससे सारी प्रजा शोकाकुल हो गई, महल में मातम छा गया। तब राजपुरोहित ने राज्य के मंत्री से सलाह की, मंत्रीवर, यह समाचार हमें हाथी को नहीं बताना चाहिए, उस बेचारे को यह जानकर बहुत दुख होगा। पर कब तक हम उससे यह बात छिपाते रहेंगे, एक न एक दिन तो वह जान ही जाएगा। राजा की मृत्यु का समाचार दूसरे राज्य में पहुंचा तो उन्हें वाराणसी राज्य को जीतने का एक शानदार अवसर हाथ आता लगा। बस फिर क्या था, मौका देखकर कौशल के राजा ने वाराणसी पर चढ़ाई कर दी। ऐसी विषम परिस्थिति जानकर राजपुरोहित और राज्य के दूसरे मंत्रियों ने विचार विमर्श किया। राजा का मरना राज्य के लिए बहुत आघातकदायक सिद्ध हुआ। मंत्रीवर, देख लो मौके का कैसा लाभ उठाया है कौशल के राजा ने। प्रजा अभी शोक से उभरी भी नहीं कि उसने हम पर चढ़ाई कर दी, तो अब क्या करें, क्या उससे युद्ध करें या पराजय स्वीकार कर लें? एक मंत्री बोला, पराजय स्वीकार करना तो कायरता होगी, हमें सिर्फ उससे यह अनुरोध करना चाहिए कि वह एक सप्ताह के लिए युद्ध रोक दे। राजपुरोहित ने सलाह दी, इससे क्या होगा, ज्योतिषी ने बताया है कि रानी एक सप्ताह में एक बालक को जन्म देगी, पुत्र हुआ तो हम लोग यह युद्ध करेंगे, अन्यथा हार मान ली जाएगी। फिर यही निश्चय हुआ। पुरोहित स्वयं कौशल के राजा के पास यह प्रस्ताव लेकर गया और सौभाग्य से कौशल के राजा ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जैसा कि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, सप्ताह बीतते बीतते रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब तो सब में एक नया जोश भर आया। निश्चय किया गया कि वह कौशल के राजा से युद्ध किया जाएगा। बस फिर क्या था, दोनों राज्यों की सेनाएं एक दूसरे से भिड़ गईं, लेकिन परिणाम आशानुकूल न निकला। वाराणसी राजा के बहुत से सैनिक मारे गए। युद्ध जीता भी कैसे जाता, राजा की तो मृत्यु हो चुकी थी और भावी राजा अभी तक पालने में जो था। स्थिति अत्यंत विस्फोटक हो चुकी थी। तब विचार विमर्श करके यही निर्णय लिया गया कि युद्ध के लिए सफेद हाथी से प्रार्थना की जाए। तब रानी ने सफेद हाथी को अपने महल में बुलवाया और पालने में खेल रहे अपने बच्चे की ओर संकेत करके हाथी से कहा, गजराज, इस बालक के पिता की मृत्यु हो गई है, तुम्हें इसके पिता से स्नेह था, तो अब इस बालक की रक्षा करो। राजा की मृत्यु की बात सुनकर हाथी को बहुत दुख हुआ, किंतु उसने वचन दिया कि बालक और राज्य को बचाने के लिए वह शत्रुओं से अवश्य लड़ेगा और उसे पराजित कर उस बालक को राज्य का भावी
उत्तराधिकारी बनाएगा। फिर शाही महावतों ने उस हाथी को युद्ध के लिए तैयार किया। हाथी के नेतृत्व में सेना शत्रु सेना से जूझने के लिए निकल पड़ी। हाथी ने एक विकराल रूप धारण कर लिया, दसों दिशाओं में अपनी चिंगार से गुंजाता हुआ वह शत्रु सेना पर दौड़ा। पीछे पीछे वाराणसी राज्य की सेना काल बनकर शत्रु सेना पर छा गई। हाथी के नेतृत्व में वाराणसी की सेना ने उस दिन ऐसा विकट युद्ध लड़ा कि शत्रु की सेना में भगदड़ मच गई। उसके हजारों सिपाही मारे गए। अपनी जन धन की हानि उठाकर कौशल नरेश वहां से भाग खड़ा हुआ। युद्ध जीत कर हाथी वापस राजमहल में जा पहुंचा। उसने नन्हे राजकुमार के सामने शीश झुकाया और बोला, तुम्हारे पिता की मृत्यु का मुझे बहुत शोक है। अब मेरा यह जीवन तुम्हारे लिए ही अर्पित है। मैं जब तक जीवित रहूंगा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। सचमुच हाथी ने अपना वचन निभाया। जब तक बालक राजगद्दी पर नहीं बैठ गया हाथी उनकी सेवा करता रहा। दोस्तों ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।